बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने परम सत्य को प्राप्त भी नहीं किया था, उस समय भी उनके भीतर दया और करुणा का भंडार था। फिर बुद्ध होने के बाद वह कैसे मांसाहार के समर्थक हो सकते हैं? लेकिन फिर भी बुद्ध एक विशेष स्थिति में मांसाहार के समर्थक थे। आज इस वीडियो में हम उस स्थिति को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। गौतम बुद्ध ना तो खुद मांसाहार करते थे और ना ही वे चाहते थे कि कोई भिक्षु मांसाहार करे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि फिर ऐसा क्यों था कि बुद्ध के कई भिक्षु मांसाहार के समर्थक थे। इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कई नियम बनाए थे। उनमें से एक नियम यह भी था कि एक भिक्षु अपनी पसंद के भोजन की मांग अपनी भिक्षा के दौरान नहीं कर सकता है। उसके भिक्षा पात्र में जो भी मिलेगा उसे वह प्रेम के साथ ग्रहण करेगा। एक बार एक भिक्षु अपनी भिक्षा के लिए एक गांव में जा रहा था, तभी अचानक आसमान में उड़ रही एक चील के मुंह से एक मांस का टुकड़ा भिक्षु के भिक्षा पात्र में गिर जाता है। तब भिक्षु उस मांस के टुकड़े को अपने भिक्षा पात्र में देखकर घबरा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मांसाहार करना गलत है और यह भी कहा था कि भिक्षा पात्र में जो भी मिले उसे प्रेम के साथ ग्रहण कर लेना। तब भिक्षु दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और पूरी घटना बताता है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुमने किसी की हत्या नहीं की है और ना ही मांस तुमने किसी से मांगा है, इसलिए तुम चाहो तो इसे निर्दोष भाव से ग्रहण कर सकते हो। लेकिन बुद्ध की इस बात का लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला। इस प्रकार बुद्ध कभी भी मांसाहार के समर्थक नहीं थे। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।